और साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो सरकार संकल्प है उसमें जो शिक्षा की कमी थी वो भी दूर कर दी गई है, और निश्चित रूप से गांवों को शहर का रूप बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से जनता से अनुरोध है कि सभी लोग शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेके प्रखंड में जाए, उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। सर, जनसंवाद कार्यक्रम में लगातार आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आज चिनारी के सर उघनी पहुंचे हुए हैं, यहाँ कुछ क्या कुछ निकल कर आए? पूरा जिला प्रशासन आज जनसंवाद में, हम लोग चिनारी के उघनी पंचायत आए थे और यहाँ हम लोगों ने जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने सभी व्यक्तियों को दिया। विशेष जो हमारी योजनाएँ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए और किसानों के, जहाँ पे 20 से 22 घंटे बिजली रह रही है, नल का जल उपलब्ध है, नली गली उपलब्ध है, इन सभी चीज़ों को बताया गया। और नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं भी मौजूद हूँ चिनारी के उघनी में और मैं बता दूँ कि जिला अधिकारी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को वन टू वन लोगों की जो बातें हैं, जो शिकायत है वह सुना जा रहा है और यहाँ पर जिला अधिकारी के साथ तमाम जिले के जितने भी वरीय अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधा सीधी तौर पर मैं जिला अधिकारी से बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ निकल कर जो चिनारी प्रखंड के उघनी से आया है, इस तमाम पंचायत, चार पांच पंचायतों से क्या क्या शिकायत निकल कर आया है। सर, जनसंवाद कार्यक्रम में लगातार आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आज चिनारी के सर उघनी पहुंचे हुए हैं, यहाँ कुछ क्या कुछ निकल कर आया? नहीं, हम सभी लोग, पूरा जिला प्रशासन आज जनसंवाद में, हम लोग चिनारी के उघनी पंचायत आए थे और यहाँ हम लोगों ने जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने सभी व्यक्तियों को दिया। विशेषकर जो हमारी योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए और किसानों के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुलभ कराई गई हैं। 153 तरह की दवाइयां यहां उपलब्ध हैं, सभी तरह की जाँच हो रही हैं और साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो सरकार संकल्प है उसमें जो शिक्षा की कमी थी वो भी दूर कर दी गई है और निश्चित रूप से गांवों को शहर का रूप बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पे 20 से 22 घंटे बिजली रह रही है, नल का जल उपलब्ध है, नली गली उपलब्ध है, इन सभी चीज़ों को बताया गया। और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे लें, जो लाभ सुलभ हम लोगों ने कराया है प्रखंड स्तर पर ही और पंचायत स्तर पर, जो कार्यालय में जाकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो कैसे लें, और यदि किन्हीं की समस्या थी तो उसको भी हम लोगों ने वन टू वन सुना, सीधा संवाद हमने स्थापित किया आमजन से और उसको भी वन टू वन सुन के हम लोगों ने उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए कार्रवाई की है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस जिले में एक अनोखी पहल की गई है कि पंचायत स्तर पर लोक कल्याणकारी शिविर लगाई गई है और उसमें जितनी तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए यदि कोई छूटे हुए लाभुक हैं तो उसके लिए उनका आवेदन प्राप्त करके उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आज समस्याओं में कमी आई है। जो राशन कार्ड या वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह की जो समस्याएँ थी उसको हम लोगों ने करीब करीब समाप्त करने की कोशिश की है और अगले एक महीनों में जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग लाभुक तक, उसका जो राशन कार्ड है या अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो हम लोग उनको मुहैया करा देंगे। सर, लगातार जिस तरह से आप जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बता दें कि इस तरह के अगर प्रखंड के जो अधिकारी हैं, अगर उन लोगों के द्वारा पंचायत में इस तरह का कार्य किया जाता, इस तरह का जन कल्याण शिविर लगाया जाता तो कुछ और समस्या कम हो। आप सभी लोगों को आपको ये जानना चाहिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंचायत स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, हमारे 19 विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अब प्रखंड में उपलब्ध रह रहे हैं और प्रत्येक शुक्रवार को सभी अधिकारी जनता दरबार लगा रहे हैं। सभी को हम लोगों ने कक्ष दे दिया है, वो सांख्यिकी पदाधिकारी हो, सहकारिता पदाधिकारी हो, कृषि पदाधिकारी हो, एमओ हो, BDOC हो, तो रहते ही थे, तो इन सभी लोगों को हम लोगों ने मुहैया कराया कक्ष और ये सभी लोग फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ जनता की बात सुनने के लिए रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से जनता से अनुरोध है कि सभी लोग शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेके प्रखंड में जाए, उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। आम जन के पूरी बैठने की व्यवस्था, आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उनसे बात करने की व्यवस्था हम लोगों ने की। जैसे कि अभी आपने जिला अधिकारी महोदय से सुना, साफ तौर पे इनका लगातार जिस तरह से ज़िले में लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों की समस्या सुनने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और देख सकते हैं कि आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये चिनारी के उघनी में पहुंचे हुए थे जहां पर लोगों ने अपनी समस्या को रखा और समस्या को ऑन द स्पॉट निपटारा करने का जिला अधिकारी के द्वारा प्रयास किया गया और लगातार ये देख सकते हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। आज उसी को लेकर इनके द्वारा देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर हज़ारों की संख्या पे यहाँ पर लोग अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे हुए थे और लोगों की शिकायत भी सुनी गई। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।